माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए आलू गोभी की दही वाली स्पेशल सब्जी और पहाड़ी माणे, जो खाने में बहुत टेस्टी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोभी को इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ गोभी ली है, बड़ी थी मेरी गोभी तो मैंने उसको कट करके आधा गोभी यहाँ पे यूज किया है। अच्छे से इनको इस तरह से देखते हुए कट करना है, क्योंकि कभी कभी गोभी में कीड़े भी निकल जाते हैं इस तरह। तो कट करने के बाद हमें इसमें डालना है ऊपर से 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा 1/4 चम्मच हल्दी, और ऊपर से अब हम इसे गुनगुने पानी से इस तरह से भिगो देंगे, जिससे कि इसमें अगर कोई कीड़े वगैरह हो या कोई भी गंदगी हो तो अच्छी से साफ हो जाएगी ये गोभी और खाने के लिए हेल्दी होगी ये। थोड़ी देर अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और अब लेती हूँ मैं यहाँ पे आलू। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के आलूओं को इस तरह से छील लिया है। इसमें भी हम थोड़ा सा वाटर डाल देंगे ऊपर से, क्योंकि आलू काले पड़ जाते हैं जल्दी से। आलू को इस तरह से हमें कट करना है, ज़्यादा बड़े पीसेस भी नहीं करने हैं और ज़्यादा मोटे भी नहीं करने हैं। इस तरह से पतले पीसेस में हमें इस तरह कट कर लेना है। सभी को इस तरह से हम कट कर लेंगे, जैसे हम और सब्जी करते हैं तो उसमें मोटे मोटे पीस करते हैं ना, इसमें इस तरह से आपको पतले पीसों में इसे कट करना है। इतने पतले होने चाहिए जो कि पकने में इजीली पक जाएं। तो इस तरह से हम सभी आलूओं को कट कर लेते हैं। आलू भी कट गए हैं, अब इन्हें भी हम थोड़ी देर साइड में रखते हैं। और अब हम लेते हैं एक बाउल और उसमें डालते हैं 1 बड़ा बाउल चावल का आटा। और थोड़ा सा इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर, आवश्यकता के अनुसार नमक, मैं इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ, और थोड़ा सा हाफ चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा मेथी का पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ खुशबू के लिए, और थोड़ा सा लूंगी अजवाइन, और इसको इस तरह से मसल के मैं इसमें डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली है। जब हम पहाड़ी माड़े बनाते हैं ना, तो वो सिंपल ही बनते हैं, उसमें इस तरह से मसाले भी नहीं पड़ते हैं, वो सिंपली चावल के आटे के बनते हैं। मगर मैं यहाँ पर कुछ सब्जियाँ भी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सब्जियाँ डालने से बच्चे भी अच्छे से खाते हैं सब्जियों को, अदरवाइज वो अवॉइड करते हैं सब्जियों को। तो इस तरह से हम बच्चों को खिला सकते हैं सब्जियाँ ऐड करके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लौकी लिया है, लौकी को थोड़ा सा मैंने कद्दूकस कर लिया है इस तरह से। और एक मैंने यहाँ पे हरी मिर्च को महीन तरीके से कट कर दिया है। अगर आपको नहीं डालना है हरी मिर्च तो आप अवॉइड कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है, टमाटर को भी हमने यहाँ पे महीन कट करके लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है शिमला मिर्च, उसको भी मैंने सिर्फ आधा ही लिया है और उसको भी महीन करके कट कर दिया है। और एक मैंने प्याज ली है, उसे भी महीन कट कर दी है। और थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने महीन कट करके ले लिया है। सभी सब्जियों को अब हम इसी चावल के आटे में ऐड कर देते हैं इस तरह से। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये पहाड़ी माणे। आप इस तरह से बनाइए तो बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। बड़े तो खाते ही हैं, बच्चे भी माँग माँग के इसे खाना शुरू करेंगे। तो अब इस तरह से सभी को हम इस तरह मिक्स कर लेते हैं। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी एक साथ में हमें डालना नहीं है इसमें,
क्योंकि पतला हो जाएगा। घोल को इसी तरह से हमें रेडी करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी हमें नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हमको नहीं करना है, इसी तरह से दिखना चाहिए वो। तो अब हमारा माड़ों का घोल बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के साइड में रखेंगे और अब हम तैयार करेंगे आलू और गोभी की दही वाली सब्जी। अब हम गैस में एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे गोभी को, जो हमने पहले अच्छे से वॉश कर ली थी कट करके। दो मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें जो हमने आलूओं को भी महीन महीन कट किया था ना, उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। और इन्हें भी इन्हीं के साथ इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। आँच को सिम रखना हमें, क्योंकि हमने बहुत कम ऑयल इसमें यूज किया है, आँच बढ़ानी नहीं है, इसे नीचे से जलने लगेगी सब्जी। सिम आँच में ही हमें इसे इस तरह से फ्राई करना है। अब ऊपर से हम इसको एक कवर कर देंगे थाली से इस तरह से, थोड़ी देर इसे पकने देंगे। सिम आंच में 10 मिनट हमारी सब्जी को हो गया है। देखिए सब्जी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और सब्जी अच्छे से पक भी गया है। इस तरह से हम इसे चेक कर सकते हैं। देखो आलू कैसे कट रहे हो, इस तरह से आलू अगर कटने लगे ना तो समझिए सब्जी पक गई है। और ये देखिए गोभी भी अच्छे से निकल गई है और आलू भी निकल गया है इस तरह से। तो यानी हमें आगे की तरह से पकाना है इसको, क्योंकि फिर से अभी तो हमें तड़का देना है इसे। तो यानी आधा सब्जी हमारी पक गई है। इसमें देखिए मेन आलू का पकना रहता है और आलू हमारा पक गया है अच्छे से। तो अब हम एक बर्तन में सब्जी को निकाल लेते हैं, गैस को बंद कर लेते हैं और सब्जी को इस तरह से बाउल में निकाल लेते हैं। गैस में हम एक कढ़ाई रखते हैं और उसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच सरसों के ऑयल। सरसों का ऑयल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप इसके लिए लोहे की कढ़ाई यूज कीजिए, इसमें बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे अब हम थोड़े से राई के दाने। जब ये चटकने लगे तो 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे हम जीरा, खड़ा जीरा और थोड़ा सा चुटकी भर हींग डालेंगे इसमें हम। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से महीन कटे हुए लहसुन की कलियां और 1 प्याज को जो मैंने महीन करके कट कर दिया है, बड़े साइज का है, तो इसे भी अब मैं इसी में डालती हूँ। और अच्छे से सभी को भून लेते हैं इस तरह। प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 महीन कटी हुई हरी मिर्च और यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटरों को महीन कट कर दिया है, तो इसको भी मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट रेडी किया है। यहाँ पर मैंने 1/2 गांठ लहसुन ली है और 1 पीस अदरक का लिया है। इसको इस तरह से मिक्सर में
पेस्ट कर लिया है, आप चाहें तो इसको दरदरा भी करके डाल सकते हैं। और अगर आप लहसुन प्याज ये सब नहीं खाते हैं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इसके बिना भी बहुत टेस्टी ये सब्जी बनती है। सर्दियाँ हैं तो लहसुन प्याज अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सभी चीज़ इसमें ऐड किया है। अब टमाटर को पकाने के लिए हमें इसमें डालना पड़ेगा नमक। अब मैं इसमें डालूंगी नमक 1 चम्मच, जिससे टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं। आधा चम्मच में डालूंगी धनिया पाउडर और आधा चम्मच में डालूंगी जीरा पाउडर और आधा चम्मच में लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार मिर्च और नमक को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम थोड़ी देर 2 मिनट इन टमाटरों को पकने देंगे। पाँच मिनट हो गए हैं सिम आंच में, देखते हैं टमाटर हमारे पके कि नहीं पके। टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं, देखिए मसाला भी बहुत अच्छी तरह से पक गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है मसालों की। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दही, गाढ़ी वाली दही हमें यहाँ पर लेनी है और फ्रेश दही ही हमको इसमें यूज करना है, क्योंकि खट्टी दही से सब्जी का स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा और उससे सब्जी हमारी फटने लगेगी। दही की वजह से ना कभी कभी खट्टी दही रहती है, तो दही इसमें सब्जी में डालते ही सब्जी और दही जब मिलते हैं ना तो फटने लगती है। इस तरह से अगर फ्रेश दही रहेगी ना, देखिए ये बिल्कुल भी फटेगी नहीं इस तरह, और अच्छी से हमारे सब्जी में स्वाद दे गए दही। इस तरह से हमें सभी मसालों में दही को मिक्स कर लेना है। अभी थोड़ा सा बाउल में दही है थोड़ा सा, तो मैं इसी में थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ और इसको भी मैं इसी में ऐड कर देती हूँ पानी को। अब गैस को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और दही के साथ इन मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। दही और मसाले अच्छे से हमारे पक गए हैं अभी यहाँ पे। अब हम इसमें जो हमने गोभी और आलू को पहले ही फ्राई करके पकाया था उसको इसमें डाल देते हैं इस तरह से, और सभी को मिक्स कर लेंगे मसालों में। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी। सर्दियों में जब हम घर में गोभी आलू की दही वाली सब्जी और पहाड़ी माड़े बनाते हैं ना गर्मा गर्म, तो सबको पसंद आते हैं। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, ये बनाने में इजी बहुत है और खाने में टेस्टी है बहुत ज़्यादा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब थोड़ी देर हम इसको कवर कर देते हैं और गैस को थोड़ा सा सिम कर देते हैं। इस तरह से ढक के पकाने से सब्जी हमारी अच्छे से पक जाती है, जो भी इसमें थोड़ा बहुत कच्चापन था वो भी अच्छे से पक जाता है सब्जी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला 1/4 चम्मच और थोड़ी सी 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ली है। इस तरह से इसको मसल लेंगे थोड़ा और इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे हरा धनिया इस तरह। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच घी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, तो आप
एक चम्मच घी इसमें ऐड कर सकते हैं और सभी को आप इस तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जी हमारी पक गई है तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। जी हमारी रेडी है, अब हम बनाएंगे पहाड़ी माणे। इसके लिए मैंने गैस में तवा रख दिया है, तवा मेरा गर्म हो गया है तो जो पेस्ट हमने रखा था ना रेस्ट करने के लिए, देखिए अच्छी से इस पेस्ट को पहले मिला लीजिए जिससे सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब हम इसमें डालते हैं तवे में। सर्दियों में ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, पहाड़ों में बनाए जाते हैं माणे, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको जल्दी में कुछ हेल्दी खाना है तो फटाफट आप इसको बना सकते हैं। अब हम एक तरफ से इसको थोड़ा सा पकने देंगे और आंच को एकदम तेज नहीं करना हमको, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा और ऊपर से जो सब्जियां हमने महीन महीन कट करके डाली है ना वो सब्जियां कच्ची रह जाएंगी। तो सिम आंच में हमें पेशेंस के साथ इसे बनाना है। जब हमारे साइड इस तरह से छोड़ने लगे तो समझिए कि नीचे से हमारा माणा पकने लगा है अच्छी से। इस तरह से धीरे धीरे हमें चेक करना है इसको, अगर हमें लगा अटक रहा है तो यानी वहाँ पे अभी कच्चा है। इस तरह से हमें चेक कर लेना है पहले अच्छी से, देखिए अच्छी से निकल जा रहा है ना, यानी नीचे से अच्छी से पक गया है। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप अगर चाहें तो इसमें घी या ऑयल कुछ भी ऊपर से यूज कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप नहीं भी यूज कर सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ क्योंकि घी लगाने से ना इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है और ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं और बच्चों को भी पसंद आते हैं बहुत, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा घी लगा रही हूँ इसमें इस तरह से। तो अब नीचे की साइड को भी हम पकने देंगे। आप चाहें तो इसे अचार के साथ, दही के साथ और ऐसे भी खा सकते हैं, आप चाय के साथ भी आराम से नाश्ते में से खा सकते हैं क्योंकि ढेर सारी इसमें सब्जियां हैं और नमक तो ऑलरेडी है ही इसमें डला हुआ, तो आप चाय के साथ भी इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा घी हम इधर भी लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना है हमको, थोड़ा थोड़ा जिससे इसमें और भी स्वाद बढ़ जाए इस तरह से। अगर आपको घी नहीं पसंद है या घी आपको खाने को मना किया है तो आप इसमें ऑयल वगैरह भी यूज कर सकते हैं, सरसों का ऑलिव ऑयल वो भी यूज करके बना सकते हैं और विदाउट ऑयल और घी भी बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर हमारा माणा बना है, कलरफुल। इसी तरह से सभी माणों को हमें रेडी करना है। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं ये हमारे पहाड़ी माणे, और आलू गोभी की दही वाली सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप भी जरूर ट्राई कीजिए और ऐसी ही नई नई रेसिपीज के लिए हमारे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक यू।